अपना परिचय दे दे। सुशांत मिश्रा गंगा सेवानी जी। सुशांत, देव दीपावली आने वाली है और देव दीपावली में दियों की खपत कितनी होने वाली है, लगभग कुम्हारों को कितना फायदा होगा? देखिए, देव दीपावली जो है वो पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो सभी देवी देवता दिया जला के खुशी मनाए थे, उसी को आज देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। और देव दीपावली काशी के लिए एक ऐसा पर्व है कि जिसमें जहाँ पे घाटों पे जो 84 घाट हैं काशी के, उसमें छोटी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, जिन घाटों पे कोई संस्थाएं नहीं हैं उन घाटों पे भी लोग दीपक जला के दिया जला के इस खुशी के पर्व को मनाते हैं। तो कुम्हारों का इसमें जो है दिया का जो जो कंजम्पशन है, जो दिया की खपत है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से उनको एक काफ़ी बड़ा रोजगार मिलता है। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोगों ने अब दिए खरीदना शुरू कर दिया है जो कि गंगा घाटों को देव दीपावली वाले दिन सजाएंगे। इसीलिए इस समय कुम्हारों के पास भी काम काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हम लोग इस समय एक कुम्हार के ही घर पर खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि देव दीपावली में किस तरीके से इनके पास काम आया है। आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम लालजी प्रजापति। हाँ, तो किस तरीके से आप लोग दिए विये बनाते हैं, क्या है देव दीपावली की क्या तैयारी? हम लोग दीपावली पर मतलब छोटी वाली दीली और बड़े वाला दिया बनाते हैं, भड़ेहर भी बनाते हैं और अन्य वस्तुएं बना करके बाजार में मार्केट के हिसाब से बेचते हैं, उससे अपना खर्च का पालन करते हैं। जो देव दीपावली के दिए होते हैं वो कब किस तरीके से आप लोग बेचते हैं, क्या दिवाली के समय ही वो मार्केट में उतार दिए जाते हैं? हाँ, वो दीपावली के समय पर ही बिकता है और अचानक कोई को आ गया जैसे पूजा पाठ करने के लिए तो उस पर बेचा जाता है, और कोई कार्य पड़ गया जैसे तो उस पर बेचा जाता है। नहीं, दिया दीपावली सिर्फ दीपावली पर ही बिकता है। दीपावली के समय ही इन लोगों ने देव दीपावली के लिए कई सारे दियों के ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। हालांकि अभी भी अगर कोई डिमांड आ रही है तो ये लोग वो दिए बना रहे हैं। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी, वाराणसी।